हाय फ्रेंड, आज हम जानेंगे हिकविजन के एनवीआर के बारे में। जी हाँ, एनवीआर, जिसका फुल फॉर्म आपको यहाँ देखने मिल जाएगा, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, ये जो सीरीज है ये DS7600 सीरीज का एनवीआर है। ये आपको 5 मेगापिक्सल तक सपोर्टेड है। इसमें 1 मेगापिक्सल कैमरे से लेके 5 मेगापिक्सल तक के कैमरे को आप लगा सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक विजन का है। इनका मॉडल नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा DS7616NIE2। ठीक है, और ये 7600 सीरीज का है। सबके अलग अलग सीरीज होते हैं। यहाँ पे आपको इसका मोबाइल एप्स दिख रहा होगा, www.hikconnect.com। यहाँ से आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं, और MRP वगैरह बाकी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम इसको करते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग। एनवीआर है फिलहाल, इसमें कुछ नहीं, इसको मैं साइड में रखता हूँ। ये सेफ्टी के लिए दिया हुआ था। तो ये है आपका एनवीआर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको सामने की तरफ एक USB पोर्ट मिल जाएंगे, जहां पे आप माउस लगा सकते हैं। एक USB पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और लुक भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑडियो इन। एक RC के थ्रू आपको एक ऑडियो इन का ऑप्शन मिल रहा है, एक ऑडियो आउट का मिल रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको VGA आउट का ऑप्शन मिल जा रहा है, जिसे आप डिस्प्ले आउट करके देख सकते हैं। उसी के साथ एक HDMI केबल के थ्रू आप यहाँ से ऑडियो आउट ले सकते हैं। और ये लैंड पोर्ट है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए। एक USB पोर्ट आपको पीछे साइड में मिलेगा। 12 वोल्ट का DC अडेप्टर लगाने के लिए यहाँ पे आपको पावर कोर्ड की जगह मिल जाएगी। और ये एक स्विच, नॉर्मल छोटा सा ऑन ऑफ स्विच मिल जाएगा। और यहाँ पे अगेन अर्थ के लिए आपको एक स्क्रू मिल जाएगा। तो ओवरऑल इसमें आपको और कुछ तो है नहीं फिलहाल। आइए देखते हैं इसके डब्बे में और हमें कुछ मिला है। इस डब्बे में हमें सबसे पहले मिलता है एक यूजर गाइड, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसमें आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएंगी, कैसे इंस्टॉल करना है, सारी चीजें इसमें आपको दी हुई हैं। आप यहां से देख सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं वन बाय वन। और जो भी तरह की परेशानी दिक्कत अगर हो, आप इसमें इजीली देख सकते हैं। इसी के साथ एक सॉफ्टवेयर CD मिलती है हम लोगों को ड्राइवर की। ये भी बहुत देखने में काफी अच्छी दिख रही है। तो ये एक सॉफ्टवेयर CD आपको मिल जाएगी इसके साथ, जिसे आप इसके सभी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाओगे। ओके, इसी के साथ यहाँ पे मिल रहा है आपको एक अडेप्टर। ये एक अडेप्टर आपको मिल जा रहा है, 0.6 एम्पियर की अडेप्टर है, और 12 वोल्ट DC करंट को ये पास करती है। ठीक है, लाइट वेट है। इसी के साथ एक रिमोट मिल रहा है आपको, जिस रिमोट से आप इसको एक्सेस करके देख पाएंगे। तो मैं दिखा देता हूं आपको कि यहाँ पे एक आपको बहुत अच्छा सा एक रिमोट मिल रहा है। बैटरी इसमें नहीं है, बैटरी आपको खुद से परचेज करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे एक SATA केबल मिल रहा है, SATA हार्ड डिस्क स्लॉट केबल। E4 स्क्रू मिल रहा है हार्ड डिस्क को इसके अंदर फिट करने के लिए। एक माउस मिल रहा है कंपनी की तरफ से, और एक ये पैच केबल मिल रहा है, इंटरनेट की पैच केबल मिल रहा है।